फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रजापति स्टडी पॉइंट को और इस बेल आइकन को दबाएं एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड की ऑनलाइन क्लासेस और न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम एक कोस्ट गार्ड का प्रैक्टिस सेट है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि कोस्ट गार्ड नेवी MR और एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यदि आप हमारे ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, जैसे देखिए एयरफोर्स इंग्लिश का है, एयरफोर्स नेवी और भी मैथ्स का है, सभी तरह के वीडियो अपलोड किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का जो टारगेट है हमने 100 लाइक का रखा है, तो देखते हैं कि आप कितनी टाइम में इस वीडियो को 100 लाइक देते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फ्रेंड्स यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो मेहनत है वो आपके काम में आ रही है, लाइक नहीं करते तो ऐसा लगता है कि वीडियो जो हमारी मेहनत है वो ख़राब में जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इसके वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो कोस्ट गार्ड में पेपर होता है वो ओनली इंग्लिश में होता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन है वो आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किए हैं। तो इन क्वेश्चन को आपको इंग्लिश में देखना है, वैसे मैं आपको इनका अर्थ बता दूंगा। ओके चलिए शुरू करते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि नेशनल डिफेंस अकेडमी इज सिचुएटेड एट, यानी कि जो नेशनल डिफेंस अकेडमी है वो कहाँ पर स्थित है। तो गाइज इसका जो अपना राइट आंसर है वो हो जाता है खड़गवासला, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी है वो खड़गवासला में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि इसमें रीजनिंग और GS दोनों के क्वेश्चन है वो हमने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किरण बेदी इज, यानी कि किरण बेदी है वो क्या है। किरण बेदी है वो आप सभी को पता होगा, यदि नहीं पता तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B राइट हो जाता है, फर्स्ट IPS ऑफिसर है किरण बेदी जी। ओके उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लुधियाना इज सिचुएटेड ऑन, यानी कि लुधियाना है वो कौन सी नदी पर सिचुएटेड है। तो लुधियाना है वो आपके सतलुज नदी पर है, लुधियाना सतलुज नदी पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका ध्यान रखना है आपको। लाला लाजपत राय इज ऑल्सो नोन इज, देखिए लाला लाजपत राय है वो आपने एक नाम सुना होगा लाल पाल, तो लाल बाल पाल में तीन थे, उसमें देखिए सबसे पहले बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, ये आपके तीन थे, तो उनमें से एक लाला लाजपत राय है उसको देखिए उपाधि दी गई थी वो शेर ए पंजाब और पंजाब केसरी, यानी बोथ एंड और बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथकली मोहिनी अट्टम एंड ओथल्लम आर फेमस डांस, देखिए पिछले बार जो कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हेल्ड हुआ था मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 21 की फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन पूछा गया था कि कथकली है वो कहाँ से संबंध रखता है, तो ये रखता है केरल से। एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि एक होता है कथक, ये तो है कथकली, वो ओनली कथक होता है, तो वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बहुत ही फेमस है कथक UP से, और कथकली है वो आपके कहाँ से है, केरल से। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फ्रॉम द अम्लगम ऑफ द मेटल्स, यानी कि अम्लगम में कौन सा मेटल है वो काम में आता है, तो अम्लगम में है वो आपका मरकरी काम में आता है, मरकरी है वो अम्लगम में काम आने वाला पदार्थ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल दैट रिमेंस लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, यानी कि कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था में होता है, तो वो होता है आपका ब्रोमीन, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल NDA में दो बार पूछा हुआ है और भी कई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है इसका, विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल, तो ग्रेफाइट इज यूज्ड इन पेंसिल, ध्यान रखना है जो आपकी चिप होती है चिप उसमें है वो सिलिकन का यूज होता है और पेंसिल में है वो आपका ग्रेफाइट का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके वो रीजनिंग से दिए हुए हैं, देखिए फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर विच इज कंटेंस फिगर एज इट्स पार्ट, यानी कि इनमें देखिए आपको सीधा सीधा दिया हुआ है कि ये जो आपको फिगर है ये कौन से फिगर में मैच करता है, तो ध्यान से देखना है इन क्वेश्चन को आपको। तो सबसे पहले आपके माइंड में आ रहा होगा कि ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है, ए तो हो ही नहीं सकता, देखिए आप थोड़ा सा यदि माइंड लगाएं तो ए तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी, आपके माइंड में आ रहा होगा कि बी हो सकता है, तो बी के लिए देखिए यहाँ से ये इस तरह से ऐसे आ रहा है, तो इसमें है जो थोड़ा उल्टा बना हुआ है,
यानी कि ये इसके ऑपोजिट साइड है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो भी हमारा गलत हो जाता है। उसके बाद देखिए सी को चेक करते हैं, तो सी यहाँ से ऐसे आता है और इस तरह से ये लाइन है ये आपकी बन जाती है, और सी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। देखिए डी भी दिखने में थोड़ा लग रहा है, बट डी की जो लाइन है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है वो हमारा सी राइट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए जो कोस्ट गार्ड का एग्जाम होता है उसमें आपके 10 क्वेश्चन है वो नॉन वर्बल रीजनिंग से पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन है वो नॉन वर्बल रीजनिंग से पूछे जाते हैं, तो आपको ये पार्ट है वो चेक करना है कि किस पार्ट में आपको मिल सकता है। यदि आप देखेंगे इस तरह की कुछ लाइन देखनी है, इसमें भी मिल रही है, इसमें भी मिल रही है, बट आपको देखिए इसमें नहीं मिल रही, इस तरह की लाइन है वो इसमें भी मिल रही है। अब उसके बाद देखिए ऐसे मिलने के बाद आपको थोड़ा ऐसे जाना है और ऐसे आना है, वो इसमें मिल रही है, थोड़ा ऐसे आना है, थोड़ा ऐसे आना इधर को आना है, इसमें मिल रही है, उसके बाद इस ऑप्शन में बिल्कुल नहीं मिल रही, तो आपके ऑप्शन कौन कौन से बच जाते हैं? देखिए ऑप्शन ए और बी बच जाते हैं आपके। अब थोड़ा यदि आप ध्यान देंगे तो देखिए ए इस तरह से ऐसे, और उसके बाद ये लाइन आ रही है और ये लाइन इस तरह से बिल्कुल सेम आकृति है वो इस फिगर में बन रही है, तो जो इसका ऑप्शन है वो हमारा 2 राइट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है वो इजीली आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। यदि आपको थोड़ा समझ नहीं आया तो इसमें देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा और समझ लीजिए। यहाँ देखिए ये लाइन आपको दिख रही है बिल्कुल, ये लाइन हमने बना दी, उसके बाद देखिए यहाँ से ये 2 लाइनें जा रही हैं, इनको देखिए ये मैंने 2 लाइन बच की, अब ये 2 तिरछी लाइन है ये बिल्कुल यहाँ पर बच जाती हैं, तो यहाँ पर आप इसे ऐसे करके इस तरह से कर सकते हैं, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कुछ आपको इसी तरह से दिख रहा होगा, तो देखिए इसमें आपको थोड़ा सेम है ये लग रहा होगा, तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम कैसे चेक करेंगे कि यहाँ पर आपकी ये लाइन है और ये लाइन इस तरह से जा रही है, ऐसे वापस आ गई, बट जो सीधी है ना ये नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका कट जाता है, यानी कि जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ से हट जाता है। अब देखिए फोर्थ जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो भी कट जाता है क्योंकि यहाँ से बीच में कट हुआ है, तो ये भी यहाँ से हट जाता है, यानी कि 2 और 3 है वो तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते। अब चेक कर लेते हैं हम 1 और 4 के, देखिए यहाँ से एक लाइन गई और इस तरह से गई, उसके बाद ये आ गई और इसके आने के बाद ये गई, यहाँ से ये लाइन है वो आपकी बन जाती है, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में क्यों नहीं मिल रहा, देखिए ये मैंने चेक किया यहाँ से, और यहाँ से जो तिरछी लाइन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी फोर्थ ऑप्शन में। ओके तो ये इजी क्वेश्चन होते हैं, बट थोड़ा सा आपको इनमें माइंड सेट करना होता है, जो आपका कोस्ट गार्ड में पासिंग मार्क्स होते हैं वो आप रीजनिंग में ही कवर कर सकते हैं। ओके जिन स्टूडेंट की इंग्लिश कमज़ोर है वो इंग्लिश में उनका स्कोर नहीं हो पाता है, जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है वो तो वैसे ही भी पेपर पूरा इंग्लिश में आता है तो वो अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इसलिए रीजनिंग को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, तो रीजनिंग पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से आपको चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि सभी में से एक आपको डिफरेंट चूज करना है। अब देखिए इसमें फर्स्ट मेथड हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट मेथड है वो देखिए इसमें 4 साइड्स हैं, तो इसमें जो तीली हैं वो भी 4 हैं, इसमें 6 साइड्स हैं तो 6 तीली हैं, इसमें भी 4 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, बट ये हमारा मेथड काम नहीं करता है। अब आपको एक चीज़ और ध्यान में देनी है, इसमें ऑप्शन आपको 4 मिलेंगे, इसको हटा दीजिए आप, और चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर लीजिए क्योंकि आपके काम आने वाली चीज़ें, सभी में देखिए जो साइड्स पर हैं वो तीली बनी हुई है, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो कितनी भी हो, सभी में साइड्स पर हैं वो तीली बनी हुई है, बट जब आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं तो उसमें साइड्स में नहीं, बट आपका जो पॉइंट है एंगल का पॉइंट जहाँ पर एंगल बनता है वहाँ से जो तीलियाँ हैं वो बनी हुई है, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। उसके बाद फाइंड आउट द ऑफ द फिगर 1 2 3 4 कैन बी फॉर्म्ड
फ्रॉम द पीसेस गिवन इन फिगर एक्स, यानी कि आपको ये चार पीसेस दिए हुए हैं और ये आपको कौन से क्वेश्चन में सेट करने हैं वो देखना है। तो आपको एक छोटा सा जो बिंदु है दिख रहा होगा ये सभी में, तो यहाँ पर आप ऐसा कुछ अनुमान नहीं लगा सकते, किसी भी ऑप्शन को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए, आप पहले इस ट्रायंगल वाली शेप को देखिए, तो ट्रायंगल वाली शेप आपको ए पार्ट में मिलती है, बी पार्ट में आपको कोई ऐसी शेप नहीं मिल रही है, तो बी पार्ट ए पार्ट में मिल सकती है, बी पार्ट को आप गलत कर दीजिए और तीसरे और चौथे नंबर में मिल सकती है। तो यहाँ पर आपने बी पार्ट को बिल्कुल यहाँ से हटा दिया। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, जो ये एक ट्रायंगल सा दिख रहा है, ये आपको किस में दिख रहा है? एक तो इस वाले पार्ट में दिख रहा होगा और उसके बाद एक दिख रहा है आपको थर्ड वाले पार्ट में, थर्ड वाले पार्ट में दिख रहा है। तो ये आपके इस ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है। उसके बाद ये दो ऑप्शन आपके पास बच जाते हैं। उसके बाद बड़ा वाला है, तो देखिए आपको ये एज इट इज इस पार्ट में दिख रहा होगा, यानी कि जो आपका लास्ट बचा है ये है, ये आपको यहाँ पर एज इट इज दिख रहा होगा। उसमें थोड़ी सेप है, वो तिरछी हुई है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर थ्री है वो यहाँ पर राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर थ्री ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच इज द फिगर 1, 2, 3 एंड फॉर्म्ड फ्रॉम, उसी तरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल वही आपको इसमें सेट करना है कि कौन से क्वेश्चन में जो बन रहा है। तो आइए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें देखिए, कोई सी भी आप एक शेप को उठा लीजिए, मैंने ट्रायंगल उठाया, तो ट्रायंगल फर्स्ट में भी मिल रहा है, सेकंड में नहीं मिल रहा, थर्ड में भी नहीं मिल रहा क्योंकि थोड़ा बड़ा ट्रायंगल है, तिरछा ट्रायंगल है, और फोर्थ में आपका मिल रहा है। अब देखिए फोर्थ में यदि आपका मिल रहा है तो आपने दो ऑप्शन आप ऑलरेडी नेगलेक्ट कर चुके हो, यानी थ्री और टू और थ्री वाला। अब इसमें देखिए आपको शेप है वो कौन कौन सी, ट्रायंगल की शेप मिल गई है, एक शेप आपके पास ये बच गई है, देखिए ध्यान से देखिए ये आपके पास शेप बच गई है। अब ऐसी शेप आपको ऑप्शन में बिल्कुल भी कहीं देखने को नहीं मिल रही है, तो इसलिए आपका जो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। वो देखिए किस तरह से, ये आपको फर्स्ट शेप है वो आपकी इस तरह से बन रही है, इस तरह से, और ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है इस तरह से, और जो बाकी सेफ है वो दो ये वाली सेफ है, ये आपकी ये हो जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि आपको इसमें वाटर इमेज बनानी है, यानी जल प्रतिबिंब है वो इस क्वेश्चन का बताना है। तो सबसे पहले वाटर इमेज का यदि आपको क्वेश्चन मिलता है, वाटर इमेज या मिरर इमेज, तो उसमें क्वेश्चन को ऑप्शन को आपको किस तरह से नेगलेक्ट करना है। तो आप इतना तो अनुमान लगा सकते हैं कि किसी भी जो वर्ड होता है उसका वाटर इमेज और मिरर इमेज किस तरह से डिज़ाइन होता है। तो सबसे पहले हम ए ऑप्शन में चेक करते हैं, देखिए जी बिल्कुल राइट बन रहा है, आर भी राइट बन रहा है। अब एक बार यदि आप 6, 9 को देखोगे तो 9 है उसकी साइड है वो चेंज हो गई है, बट जो साइड है वो आपकी वाटर इमेज में नहीं बल्कि मिरर इमेज में साइड चेंज होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है। उसके बाद देखिए सेकंड ऑप्शन को किस तरह से देखेंगे, सेकंड ऑप्शन है जी, है जी ठीक है, आर ठीक है, उसके बाद 9 है उसकी भी आकृति ठीक है, एट की भी ठीक है, पी ठीक है आपका। उसके बाद देखिए इसमें 6 है, उस 6 की जो साइड है उसको चेंज कर दिया है, हमने बताया था कि मिरर इमेज में साइड चेंज होती है, वाटर इमेज में नहीं होती। उसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड बचता है और फोर्थ, थर्ड में देखिए जी राइट है, आर राइट है, 9 भी बिल्कुल राइट है, एट राइट है, और ए भी राइट है, पी राइट है, 7 राइट है, और 6 भी आपका राइट है, ई भी राइट है, एस भी राइट है। तो इसमें सभी वर्ड हैं वो आपके गलत हो जाते हैं, वो सॉरी सही हो जाते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन में देखिए क्या मिस्टेक मिलने वाली है आपको, इसमें देखिए ए है, ए को डायरेक्टली इसी तरह से लिख दिया है, इसमें कोई भी चेंज है वो नहीं किया गया है, ए में कोई भी चेंज है वो नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। उसके बाद देखिए चूज द अल्टरनेटिव विच इज द क्लोजली रिजेंबल द वाटर इमेज ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन,
यानी कि इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, इसका वाटर इमेज बताना है। ऊपर वाले में भी वाटर इमेज था, इसमें भी आपका वाटर इमेज है, यानी कि आपको नीचे बनाना है। तो वाटर इमेज तो आपका उसी तरह से बनता है। तो सबसे पहले देखिए, ऑप्शन को नेगलेक्ट करिए, ये आपका क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका मिरर इमेज, यानी कि मिरर इमेज है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। अब सबसे पहले देखिए, एन तो सभी में सही दिया हुआ है। उसके बाद देखिए, इस क्वेश्चन में आपको यू नजर आ रहा होगा, यू है वो डायरेक्टली दिया हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शन है वो कट हो जाते हैं। इन दोनों में यू ठीक है, सी ठीक है। अब एल में दोनों में डिफरेंस है, तो एल को हम किस तरह से चेक करेंगे, एल की हो वो साइड चेंज नहीं करनी है हमें, साइड चेंज नहीं करनी है इसकी, ओनली ऊपर से इसको, ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे आ जाएगा, नीचे वाला पार्ट है वो आपका ऊपर आ जाएगा। तो सेकंड नंबर ऑप्शन है उसमें देखिए, आपको एल की साइड है वो चेंज कर दी गई है, बट फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है उसमें साइड है वो आपको बिल्कुल राइट दी हुई है, तो फोर्थ नंबर का जो आंसर है इस क्वेश्चन का हो जाता है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द सुटेबल फिगर फ्रॉम आंसर फिगर दैट वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा। अब देखिए, इस तरह से है, ये ऐसे बना हुआ है। अब इन्होंने क्या किया कि इसको जस्ट उल्टा डाल दिया, यानी कि हम इसको देखें तो इसकी वाटर इमेज बन गई है, तो वाटर इमेज बन गई है, बिल्कुल जस्ट वाटर इमेज के जैसा दिख रहा है, तो इसकी वाटर इमेज है। देखो ये किस तरह से है, इसको यदि हम उल्टा करेंगे तो इसकी वो है इस तरह से बन जाएगी। ए ऑप्शन है जो आपका बिल्कुल राइट हो जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट इसी तरह का है। एक आपको वर्ग दिया हुआ है, ये वर्ग है और इसमें सर्कल है इस तरह से। तो देखिए, ऊपर वर्ग है और नीचे आपके सर्कल है, तो इसको जस्ट उल्टा किया है कि सर्कल की जगह है जो आपके स्क्वायर को रख दिया, स्क्वायर की जगह सर्कल को रख दिया, तो इसमें क्या होगा कि जो आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल की जगह इन लाइन को रखा जाएगा, लाइन की जगह ट्रायंगल को। तो सबसे पहले देखिए, जो ये है ट्रायंगल, इसकी जगह लाइन, थ्री लाइंस आपको कहाँ पर दिख रही है, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, और आपका ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है, यानी कि फोर्थ, थ्री और फाइव है कुछ ऑप्शन, आपको तो फोर ही मिलेंगे, वो आपको यहाँ पर देखने, उनमें चेक करना होगा। तो वो किस तरह से, देखिए अब कैसे चेक करना है आपको, यहाँ पर इनकी जस्ट दोनों की स्क्वायर की जगह जो है, जो सर्कल को रखा गया है, सर्कल की जगह स्क्वायर को रखा गया है। अब देखिए, यहाँ पर जो ये तीन लाइन है, तीन लाइन की जगह क्या आ जाएगा, तीन लाइन है वो ऊपर आ जाएंगी, बिल्कुल तीन लाइन है वो ऊपर आ जाएंगी। किस तरह, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि जो आपकी जगह है वो चेंज हो रही है दोनों की, बट जो आकृति है वो यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर ये भी एक होगी, तो ये जो रेक्टेंगल है इसकी जगह एक आपकी लाइन इस तरह से आ जाएगी ऊपर, जो ट्रायंगल है उसकी जगह इस तरह से एक लाइन आ जाएगी, और नीचे इसकी जगह ट्रायंगल बन जाएगा इस तरह से, यानी कि तीन ट्रायंगल बन जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। थोड़ा कन्फ्यूजन था इसमें, तो अब आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि यहाँ पर जो आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल की जगह बिल्कुल जस्ट है जो लाइन ले ली जाएगी, ट्रायंगलों की संख्या एक है तो लाइन एक होगी, उसके बाद नीचे की जो शेप है वो ट्रायंगल बनेगी, अब लाइन की संख्या है वो ट्रायंगल की संख्या हो जाएगी, इस तरह से जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट हो जाता है। तो इस तरह से थे आज के ये रीजनिंग के और जीएस के क्वेश्चन, आपके कोस्ट गार्ड एग्जाम में इसी तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, और एयरफोर्स वाई ग्रुप है, नेवी MR है, नेवी AA में रीजनिंग आती है। तो ये क्वेश्चन थे आज के आपके लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।